आप यहाँ सोशल वर्कर है? सोशल वर्कर का काम करता हूँ। आप लोग क्या करते हैं समाज की सेवा के लिए? बॉस, समाज के लिए जैसे हॉस्पिटल का काम हो, किसी गरीब के लिए पैसों की जरूरत हो, या किसी का पुलिस स्टेशन का काम हो, या उनके लिए उनकी दवा का इंतजाम हो, उनके घर में कोई बीमार हो, उनका सब सोशल काम हम यहाँ में करते हैं। आप लोगों के साथ में और कौन कौन है? मेरे साथ में पिंटू भाऊ गायकवाड़ है, विशाल भाऊ है, सिद्धार्थ भाऊ है, अपने नियाज भाई है, और मेरी पूरी टीम है एक 50 लोगों की। अभी मालेगांव में एक ऐसा भी टाइम आया कि पूरे मालेगांव में सिर्फ 4 पेशेंट थे और दयाना में अकेले 25 पेशेंट रोज निकलते थे। ऐसे महामारी के टाइम में आप लोगों ने अपने इलाके को कैसे कवर किया? सर जी, जब पहली टाइम हमारे गांव में विशाल देवरे करके एक पेशेंट निकला था और उनका दुर्दैवी मृत्यु उसमें हो गया था, उसके बाद से लोगों में अलग सा भय या निर्माण हो गया था। तो जिनके जिनके संपर्क में जो लोग थे वो स्वैब देने गए तो एक 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 परिवार के 10-10 लोग यहाँ पे पॉजिटिव निकलते थे। एक महीना पूरा चला, 100 के ऊपर या पेशेंट निकले, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे पेशेंट कम होते गए और आज भगवान की अल्लाह की दुआ से हमारे गांव में एक भी पेशेंट नहीं। ये टाइम में लॉकडाउन के टाइम में लोगों ने आपने लोगों के लिए क्या किया आप लोगों ने मिल के? सर जी, जब लॉकडाउन चालू हुआ पहले पंद्रह दिन अच्छे बीते, उसके बाद में लोगों को राशन की सबसे बड़ी दिक्कत आने लगी खाने के लिए, क्योंकि सब काम बंद थे। हमने शक्कर, चावल, दाल, ऐसे 5 प्रकार के सब सूखा अनाज दयाने में 1300 घरों में हमने बांटे। उसके बाद में हम अंबेडकर नगर, चंद्रमणि नगर, महात्मा गांधी नगर 500-700 किट, तकरीबन 700-800 किलो हमने जो भाजीपाला होता है उसमें टमाटर है, जो भी चीज़ है वो हमने बांटा। सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा, लोगों को मास्क पहनने के लिए सबसे ज़्यादा बोला गया। जो स्लम एरिया थे, जैसे आदिवासी नगर होगा, हमारा गणेश नगर है, गांधी नगर है, उसमें हमने छोटे बच्चों को सबसे पहले 1100 मास्क बांटने का काम हमने यहाँ पे किया। उसके बाद में सबसे खुशी की बात ये, जिनके घरों में कोरोना पेशेंट निकलते थे, समझो एक पेशेंट निकला दूसरे लोग डर जाते थे, हमको फ़ोन करके घर पे बुलाते थे कि हमारे घर में पेशेंट निकला है अभी क्या करने का। तो पहले तो हम उनको हौसला देते थे और उनके साथ बैठ के चाय पीते थे। चाय पीने के बाद सवेरे हमारे साथ उनको सैर देने लेने गए, ले जाते थे। उसके बाद में उनका रिजल्ट ऐसा आता था, हौसला बुलंद हो जाने के से कारण से या वो हिम्मत रखने के कारण से वो ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाते थे। ऐसा करके हमने लोगों का हौसला बुलंद करके लोगों का काम भी किया और दयानियों को कोरोना मुक्त करने का भी काम किया। आपको डिपार्टमेंट प्रशासन, इंतजामिया, कारपोरेशन की जानिब से कोई सहूलत मिल सकी थी इलाके में? कॉरपोरेशन से हमको कोई सहूलत नहीं मिली, मगर पुलिस स्टेशन से हमको अनाज दिया गया।